this is Dr. Nikesh. Ki why should we go abroad for MBBS? Dekhiye kisi bhi kone mein aap MBBS karne ja rahe hain, chahe wo India ho ya abroad ho, NEET is absolutely mandatory aur uska second koi bhi option nahi hai. Ukraine mein padhai kar rahe ho ya Russia mein padhai kar rahe ho, to aapka sirf 5 hours ki flight hai, India se direct flight hai, 1/4 of the Indian cost mein aap wapas try karke complete karke aa sakte hain. Aapko ek international degree mil raha hai, world kahin pe bhi aap practice kar sakte hain. Third year mein aapka aayega forensic medicine, can I work during my education? और वीकेंड में आप काम करना चाहते हैं, येस यू आर फ्री इनफ टू वर्क. अगर आप वहां से पढ़ाई कर रहे हैं, यू नीड टू पास ईच एंड एवरी एग्जाम. आप अपने टीचर के साथ जितना ज्यादा आप लिखने का कोशिश करते हैं. हम यूकेआर एजुकेशन में आपको सिर्फ उसी कॉलेज के बारे में आपको बताते हैं जो कि टॉप 4000 रैंक में आता हो. यू आर अ फेस ऑफ इंडिया इन अ फॉरेन कंट्री. हाई गाइज, दिस इज डॉक्टर निकेश एंड वेलकम टू येट अनदर ब्लॉक ऑफ यूकेआर एजुकेशन. So today I am here with three questions that we are going on in the part 3 of our video of frequently asked by the students. The main and the important question that every time it arises in the student's mind, ki why should we go abroad for MBBS? Like hum bahar kyun jaye MBBS ke liye? To iska questions ka aapka bahut sare answer aap nikal sakta hai aur iska ek main main reason bataunga. Jaise ki aaj hamare MBBS के एग्जाम होती है जो इंडिया में एंट्रेंस एग्जाम नीट हम लोग जिसको बोलते हैं, तो ये सेम एग्जाम आप बाहर भी जा रहे हो, इंडिया के बाहर भी किसी भी कंट्री में, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो किर्गिस्तान हो, चाहे वो जॉर्जिया हो, चाइना हो, नेपाल भी, बांग्लादेश जो कि इंडिया के नियर बाय कंट्रीज है, जो बोलते हैं कि ये इंडिया का ही पार्ट है, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, इसे में बोलते हैं एमसीआई का जरूरत नहीं होगा या नीट एग्जाम का जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है. आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप एमबीबीएस करने जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो या अब्रॉड हो, नीट इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी और उसका सेकेंड कोई भी ऑप्शन नहीं है. अब ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाई शुड वी गो अब्रॉड? अब्रॉड में ऐसा क्या है? वी आर गोइंग फार अवे फ्रॉम होम, हम घर से इतने दूर जा रहे हैं. तो इस पे आप देखोगे, आप घर से दूर तो आप कैसे भी जा रहे हो. अगर आप मान लीजिए दिल्ली में रहते हो, आपको नीट के थ्रू अगर एक सीट मिला है मेडिकल का आपके बैंगलोर में या केरल में या फिर कहीं पे भी, आप वहां पर ट्रेन के द्वारा आप जर्नी कर रहे हो या फ्लाइट भी कर रहे हो, दैट टेक्स 3 आवर्स जर्नी या 4 आवर्स जर्नी, और ट्रेन है तो 24 आवर्स जर्नी. और अब यहाँ पे अब यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हो या रशिया में पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका 5 आवर्स की फ्लाइट है, इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट है, तो डिस्टेंस इज एब्सोल्युटली नॉट अ मैटर कि आप दूर जा रहे हो. आप घर के साथ हमेशा कनेक्टेड हो, फेसबुक आपका है, स्काइप है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स आज आ गए हैं, कि घर वालों से बात करना और घर से दूर बिल्कुल भी एहसास नहीं होता जो स्टूडेंट वहां पढ़ते हैं. मेन और एक बात यह है कि जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस, इंडिया के जो प्राइवेट कॉलेजेस, तो फीस है उसके आप 1/4 ऑफ द कॉस्ट में आप फॉरेन के किसी भी मेडिकल कॉलेज में, खास करके हमारे यूक्रेन के और रशिया के मेडिकल कॉलेज से, आप अपना पूरा एमबीबीएस का डिग्री विद योर ट्यूशन फी, मेडिकल इंश्योरेंस, हॉस्टल, लिविंग एक्सपेंसेस, सारे को मिलाकर के आप 1/4 ऑफ द इंडियन कॉस्ट में आप वहां पर पढ़ाई करके कंप्लीट करके आ सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको और क्या बेनिफिट मिलेगा? आपको एक इंटरनेशनल डिग्री मिल रहा है जिसके बाद आप कहीं पे भी ऑल ओवर द यूरोप, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट एनी ये. हाँ, आपको लाइसेंसिंग एग्जाम देना होगा, जैसे कि अगर आप यूएस में आप करना चाहते हैं काम, जिसके लिए यूएसएमली क्लियर करना होगा जो कि 3 स्टेप का एग्जाम होता है, जो कि मैं आगे आने वाले और वीडियो से बताऊंगा कि आप अगर यूएस में काम करना चाहते हैं एज ए एमबीबीएस डॉक्टर, एज ए कैरियर, तो आपको क्या करना होगा. यूके में काम करना चाहते हैं या ऑस्ट्रेलिया में, कैनेडा में, या आप यूरोप में काम करना चाहते हैं तो क्या मेथड है उसमें अप्लाई करने का, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊंगा. तो अभी हम मेन बात कर रहे हैं एडवांटेजेस का, आप फॉरेन क्यों चूज करना चाहिए. तो मैंने आपको पहला एडवांटेज गिना दिया है कि डिस्टेंस आपका मैटर नहीं करता है. सेकेंड आपका मैंने बताया आपको कि मनी फैक्टर जो है, मनी काफी 1/4 ऑफ द कॉस्ट में आपकी पढ़ाई हो रही है. थर्ड फैक्टर जो मैंने आपको बताया है कि वहां की जो डिग्री है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, आप कहीं पर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप काम कर सकते हैं. प्लस और एक बेनिफिट है कि वहां के जो फॉरेन के, हमारे यूक्रेन और रशिया के खास करके जो है, वो अपने साइंटिफिक रिसर्च वर्क्स में इतना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं. मीन्स अगर बच्चा हमारा फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा है तो एनाटॉमी में भी उसको डेड ह्यूमन बींग मिलेगा. ऐसा नहीं कि आपको स्केलेटल मिल रहा है जो प्लास्टिक का है, आप उसमें ग्रूव्स आपको नहीं पता चल रहा है, सल्कस नहीं पता चल रहा है या कहाँ पे
क्या है वो आपको पता चला, नहीं ये आपका लाइफ बॉडी है जो कि वहाँ के लोगों ने अपना डोनेट किया है ताकि मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर सके इस बारे में. सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको एक ह्यूमन बींग के ऊपर आपको सारा चीज मिल रहा है. आप सेकेंड ईयर में जाओगे टोपोग्राफिकल एनाटॉमी जो कि सर्जिकल एनाटॉमी हम बात करते हैं, या आप थर्ड ईयर में आपका आएगा फॉरेंसिक मेडिसिन. इसमें आप खुद लाइफ पेशेंट को आप मतलब कि जो डेड बॉडी है अभी कल परसों में मरा है उनका अटॉप्सी जो पोस्टमार्टम हम बोलते हैं वो आपको खुद करने का मिलेगा, जो कि इंडिया के किसी भी कॉलेज में आप सिक्स ईयर पास करने के बाद ये चीज मिलता है, या आपका सारे चार साल का कोर्स होगा उसके बाद आप फॉरेंसिक में आप जाके किसी की अटॉप्सी करोगे. सो दीज आर द फोर मेन एडवांटेजेस दैट आई हैव सेट कि आप फॉरेंस आप कर रहे हो प्लस आप घर से बाहर हो, एक वर्ल्ड क्लास आपको एडुकेशन के साथ साथ आपके ऑल ओवर वर्ल्ड के दोस्त बन रहे हैं वहाँ पे, लाइक यू आर गेटिंग इंगेज, यू आर लर्निंग न्यू कल्चर, यू आर गेटिंग मोर एक्सपोज्ड एंड मोर बोल्ड कि आप लाइफ जीने का जो एक तरीका होता है कि आप कैसे एक इंटरनेशनल जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यू आर अ फेस ऑफ इंडिया इन अ फॉरेन कंट्री, आप कैसे वहाँ पे आप सारे कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एडुकेशन, हर एक फील्ड में आप कैसे ओवरऑल डेवलप अप कर रहे हैं. सो दैट्स द मेन फोर फाइव रीजंस दैट आई हैव गिवन व्हाई शुड वन चूज फॉर एमबीबीएस अब्रॉड. सो हियर वी कम विथ लाइक सेकेंड क्वेश्चन, आर देयर बेटर अर्निंग अपॉर्चुनिटी और कैन आई वर्क ड्यूरिंग माई एडुकेशन. सो सी ऐसा कुछ नहीं है कि यू कैनॉट वर्क, बट आई विल लेट यू क्लियर लाइक वहाँ के जो एग्जाम पैटर्न्स है वो डेली एग्जाम्स है. अगर आप सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक क्लासेस कर रहे हैं तो आप 6 बजे के बाद भी आपको नेक्स्ट दिन का पढ़ाई करना है. यू नीड टू प्रिपेयर योर फूड, आप अपने लिए खाना बना रहे हो या मेस में खाना खा रहे हो या कुछ भी करो, बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम आफ्टर द स्टडी आवर्स. और वीकेंड में आप काम करना चाहते हैं, येस यू आर फ्री इनफ टू वर्क, बट मैं हमेशा सजेस्ट ये करता हूँ स्टूडेंट को कि आप वहाँ पे पढ़ाई करने जा रही हो, फर्स्ट मोटो एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी एंड टू गेट द एमबीबीएस डिग्री. एमबीबीएस का डिग्री एक आसान नहीं है. अगर आपको इंडिया में सीख नहीं मिला एंड यू आर थिंकिंग दैट मैं फॉरेन में जाके आराम से अपना बस डिग्री लेना है, मैं हॉस्पिटल खोल लूंगा, दैट्स एब्सोल्युटली मीथ जो हम बोलते हैं ना, ये अंधविश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर आप वहां से पढ़ाई कर रहे हैं, यू नीड टू पास ईच एंड एवरी एग्जाम एवरी डे, यू नीड टू बी क्लियर विद ईच एंड एवरी टॉपिक एवरी डे. मैंने खुद वहां से पढ़ाई किया है, मैंने रशिया से जो कि पहले यूक्रेन का पार्ट होता था क्रीमिया, मैंने वहां से अपना पढ़ाई किया एंड इट्स माई सेल्फ, मेरा ये खुद का जाना हुआ, आई हैव एक्सपीरियंस, दिस माई सेल्फ एक्सपीरियंस कि वहाँ की जो पढ़ाई है ऐसा आसान नहीं है जो कि सारे बोलते हैं कि आसान से आप पास हो जाओगे चले जाओ. तो आप ये मीथ हटा दीजिए दैट यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर एंड यू नीड टू स्टडी ईच एंड एवरी डे. आपको 6 साल में आप जब पढ़ाई कर रहे हैं आपको बस सोचना है पढ़ाई का और कैसे आप पढ़ाई में अच्छे से अच्छा आप सीखोगे. जितना आप सीखोगे उतना आप एक्सीलेंट होगे अपने काम पे. और मेडिकल इज नॉट लाइक आप जो आप बुक में पढ़ाई कर रहे हो और वो प्रैक्टिकल लाइफ में आपका है, नहीं, आप जितना आप प्रैक्टिकल करोगे, अगर आपका फ्री टाइम है सैटरडे संडे, यू कैन गो टू एनी ऑफ द हॉस्पिटल ऑफ द यूनिवर्सिटी, यू कैन आस्क योर प्रोफेसर एंड योर टीचर दैट यू वांट टू डू द वर्क ऑन द वीकेंड्स, आप वीकेंड में काम करिए. जैसे हमारा रशिया में होता है हमारा कि जो छुट्टियां होती है 2 महीने का उसमें 1 महीने का वहां पे कंपलसरी वर्क होता है. सेम यूक्रेन में भी है कि आप अपने टीचर्स के साथ कितना ज्यादा आप सीखने का कोशिश करते हो दैट विल मेक यू मोर परफेक्शन, आपका और परफेक्शन वो लेके आएगा. सो एब्सोल्युटली इट्स नॉट लाइक रिकमेंडेड कि आप फॉरेन जा रहे हैं तो वहां पे आप पढ़ाई करने के साथ काम का सोच रहे हैं. यस, अगर आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज है तो देर आर मेनी मोर वेज, लाइक यू कैन गो फॉर अ एडुकेशनल लोन, जो कि हर प्राइवेट बैंक या नेशनलाइज बैंक से आपको लोन आराम से मिल जाती है. दे सी दे हैव सम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कि आपका पेरेंट्स का ITR जमा होता हो 3 साल का, यू शुड हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ योर ओन. अगर प्रॉपर्टी नहीं भी है लाइक यू आर हैविंग अ गारंटर, और आपके जो कॉलेजेस है वो MCI एक्रीडिएटेड हो, वो टॉप रैंकिंग कॉलेजेस हो. तो हम UKR एडुकेशन में आपको सिर्फ उसी कॉलेज के बारे में आपको बताते हैं जो कि टॉप 4000 रैंक में आता हो, जिसका एडुकेशन लोन भी आराम से हो जाए और एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिले कि आप वहाँ पर जब पढ़ाई कर रहे हो तो दैट यू आर गेटिंग एन ऑल राउंड एक्सपोजर, आपको सारा चीज वहाँ मिल रहा है, कोचिंग मिल रही है MCI की, जो आप इंडिया आओगे वापस उसके लिए भी हमने आपको तैयारी कराई. लाइक यू आर नॉट स्टडिंग इन इंडिया येट वी आर प्रोवाइडिंग यू द बुक्स द टीचर्स एंड एवरीथिंग एट यूक्रेन और रशिया इन आर ईच एंड एवरी कॉलेजेस जहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं.
सो आई गेस दिस टू क्वेश्चन वर हेल्पफुल फॉर यू एंड दैट विल क्लियर मोर इन्फॉर्मेशन. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या कोई भी क्वेश्चंस आपको जानना हो एमसीआई के बारे में या एडमिशंस के बारे में, हमारे डिटेल्स में हमारा फ़ोन नंबर व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम. डू शेयर दिस वीडियो इफ यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल, लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. दिस इज डॉक्टर निकेश साइनिंग ऑफ. गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी.